being religious and being spiritual, there is a difference or these are the same terms? Religious और spiritual होने में बहुत बड़ा difference है. हम अपने आप को दावा करते हैं that we are religious. हम बहुत proud feel करते हैं कि हम अपने सनातन धर्म की ओर हैं, हम अपने भगवान को पूज रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बट रिलीजियस मतलब होता है कि आप सिर्फ एक रिलीजन को ध्यान में रख कर और उसी के देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे हैं. दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट योर हार्ट एंड सोल इज़ कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन योर स्पिरिचुअलिटी. आप पूरा अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं सामने वाले के सामने, ऊपर वाले के सामने, लोगों के सामने. दोज हु नीड योर हेल्प, इट डजंट मीन डैट यू आर स्पिरिचुअल. रिलीजियस होने का मतलब होता है दोस्तों कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को ध्यान में रख के सिर्फ वही पूजा पाठ करेंगे, वही सारी चीज़ें करेंगे, वही कर्मास को अपनाएंगे और वही सारे जो हमारे वेद और ग्रंथ हैं उनको अपनाएंगे, नथिंग एल्स. आप दूसरे धर्म की ओर जाएंगे भी नहीं. और बींग स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि आप किसी भी धर्म जाति को भेदभाव ना रखते हुए आप इन सब से परे होकर आप स्पिरिचुअल हो जाएं. आप अपनी हार्ट एंड सोल का कनेक्शन सीधा अपने ऊपर वाले से करने लगें, आप यूनिवर्स से करने लगें. जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो यूनिवर्स हमारी सुनता है, क्योंकि हम जो बात करते हैं तो हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के और बिना किसी डिवीज़न के करते हैं. हमारा मोटिव होता है कि हमसे जो भी चीज़ निकले वो पॉजिटिव निकले. हम जैसी भी नेचर है, हमारा बेसिक नेचर है, वो हमारा पॉजिटिव रहे. हम किसी को दें तो अच्छा दें और रिसीव करें तो अच्छा करें. दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी. रिलीजियस होना कुछ गलत नहीं है, लेकिन रिलीजियस होने के साथ साथ अगर आप सोचते हैं कि आप जो भी कुछ अच्छा करेंगे वो अपने रिलीजन के लिए करेंगे, वो और दूसरे रिलीजन को आप डाउन करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद अगर आप कहेंगे कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम बहुत दान दक्षिणा करते हैं, हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, दिस इज़ नॉट कॉल्ड योर ट्रू लव फॉर गॉड. सो बी स्पिरिचुअल एंड नॉट रिलीजियस, देर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस. इस चीज़ को समझिए कि हम अपनी कनेक्टिविटी, अपना सोल यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. अल्टीमेटली यूनिवर्स हो, हमारा गॉड हो, या जिसको भी आप मानते हैं, उससे डायरेक्ट कनेक्शन के लिए हम जो होली बुक्स का सहारा लेते हैं, दैट आर भगवद गीता, रामायण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल. दोस्तों एक ही तो सारा प्रोसेस है कि हम अपनी होली बुक्स के थ्रू अपने यूनिवर्स से, अपने भगवान से कनेक्टिविटी कर सकते हैं. तो फिर क्यों हम ये सारी रिलीजन का बीच में एक दीवार लगा के इस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि हम ऐसा नहीं हो सकते. मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हम जो भी कुछ करें, हम स्पिरिचुअल हों, हम रिलीजियस हों, जो डिफरेंस मैंने आपको समझाया आपको कितना हद तक समझ में आ सकता है, इट्स ऑल अप टू यू. लेकिन हम जो भी कुछ करें, हम ये ध्यान में रखते करें कि सामने वाले को हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से, हमारी चीज़ों से हर्ट नहीं होना चाहिए. अगर हम अपने रिलीजन को पूज रहे हैं, अगर हम उसकी शिद्दत कर रहे हैं, उसे मान रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे रिलीजन पे हम हाथ उठाएं या हम उसको किसी भी चीज़ के लिए पॉइंट आउट करें. बी स्टे विद मी हेयर ऑन टॉकेश, सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन.